हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट आकाश, और आज की वीडियो के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा जो नया अपडेट आया है ना, ये इस तरीके से जो नो लॉन्गर अवेलेबल बता रहा है, और इसको अगर रिफ्रेश करते हो तुम तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नो लॉन्गर करके आपको तीन या दो या फिर एक भी ऑप्शन मिल सकता है, कोई भी जो कि कोई काम का नहीं होता है। इसको अगर रिफ्रेश करोगे तो वो ऑप्शन भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, एक ये आपको दिखाया मैंने, और यहाँ पे देख सकते हो, और दिखाता हूँ मैं, एक ये देख सकते हो, इस तरीके से दो भी ऑप्शन आ सकते हैं यहाँ पे। तो वो अगर रिफ्रेश करोगे तो वो ग्लिच था, वो एक अपडेट आ रहा था जो फेसबुक की तरफ से, ये जो प्रॉब्लम है बहुत लोगों को फेस करने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से कन्फर्म है, लेकिन बहुत लोगों का जो है ना वो कन्फर्म है और आइडेंटिटी भी नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे नीचे इस तरीके से ऑप्शन आ जा रहा, और ऊपर आपको कोई सबमिशन करने को नहीं मिल रहा था। पहला ये अपडेट आया था। दूसरा अपडेट ये आया था कि सारे अकाउंट्स में ना ये जो रियल गेस्ट आर्डेड है ना, ये इस तरीके से पिक और यहाँ पे गेस्ट आर्डेड, ये किसी में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन अपडेट्स जो आ रही थी, जो फेसबुक जब अपडेट हो रहा था ना उस टाइम पे, दो तीन प्रॉब्लम्स फेस करने को सबको मिल रहा था। ठीक है, तो मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ये क्या ग्लिच आया हुआ है, तो उसी टॉपिक पे मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, वो अब अपडेट धीरे धीरे ठीक भी हो रहा है, लेकिन किसी किसी अकाउंट में वो है भी, तो उसका मैं एकदम सोल्यूशन बताता हूँ, 101% काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो को पूरे एंड तक देख लेना, कहीं भी स्किप मत करना, और अगर चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की न्यू अपडेट्स जो है वो आपको मैं लाता रहूँ। ठीक है, तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स सी। सबसे पहले तो ये जो प्रॉब्लम है वो एक हफ्ते से आ रही, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो आज वीडियो बना रहा हूँ, तो चलो मैं दिखा देता हूँ इसमें। सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पे जब लॉगिन कर रहे हो, देखो आप अगर फ़ोन में अपने लॉगिन करोगे, आपका वो अकाउंट है, तो आपको इस तरीके से शो मिल जाएगा। ठीक है, इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरे फ़ोन में देते हो, किसी दोस्त को देते हो, ठीक है, तो अगर कोई भी अगर लॉगिन कर रहा है तो सीधा फेक गेस्ट आईडी का आ जाता था। फेक गेस्ट आईडी मतलब कि यहाँ पर कोई पिक विक नहीं, आपको फेक गेट स्टार्ट का नहीं पता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है फेक गेट स्टार्टेड। ये देख सकते हो, ये होता है फेक गेट स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता होगा। तो देखो, सबसे पहले अगर जिसका भी ये चीज़ आए ना, तो सबसे पहले क्या करो, एक VPN है इंडिया VPN करके, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखो VPN इंडिया, आपको इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसमें आप फ्री या पेड कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको तीन प्रॉक्सीज में बता रहा हूँ, तीनों को नोट कर लेना एकदम। यहाँ पे देखो, जब ऐसे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे नीचे में कनेक्ट लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे जब, तो यहाँ पे सारे सिटीज़ का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या करो ना, तीन जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो मार्क कर लेना, Bangalore 3, ये देखो जो Bangalore 3 है ये, उसके बाद यहाँ पे आओगे नीचे Kolhapur 2, ठीक है, और तीसरा Mumbai 1। ये तीन जो VPN है ना सिटीज़ की, इन तीनों को नोट कर लो आप, इन तीनों को कनेक्ट करके करना है। आप एक करोगे तो एक में भी हो जाएगा, दो तीन, लेकिन तीन तीन अगर करोगे ना, अगर एक में नहीं होता, दूसरे में तीसरे में, तब तो कन्फर्म आपको हो जाएगा। बस इसको कनेक्ट करना है, यहाँ पे टैप करोगे कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट के बाद यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर देना है दो तीन बार। ठीक है, इस ब्राउज़र में आके आपको रिफ्रेश कर देना है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर आओगे उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से दो तीन बार रिफ्रेश करोगे, ऑटोमेटिकली आपका रियल गेस्ट आ जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा देखो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ क्या, कि अगर देखो यहाँ पे जब गेस्ट आईडी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है। तो ये अपडेट्स जो है ना वो आ चुकी हैं, अब फेसबुक पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है, अब कोई ग्लिच आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम आईडी में देखने को मिलेगा। तो देखो अगर यहाँ पे जब आओगे, तो यहाँ पे दो तीन तरह की चीज़ें आ रही थी। एक तो आ रहा था कि आपका कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, जैसे कि फुल ब्लैंक, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, उसका भी इंटरफेस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से, ये है फुल ब्लैंक, इस तरीके से आएगा, या फिर इस तरीके से आएगा, या फिर इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ऐसे ग्लिचेस आ रहे थे, तो इसको रिफ्रेश करने पे भी ये ठीक नहीं हो रहा था। तो इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि अगर आपका इस तरीके से आए, या फिर अगर आपका कन्फर्म योर आइडेंटिटी पे जाने पे अगर आपका प्रूफ अपलोड नहीं हो रहा है, तो फिर देख लो, दोनों का सोल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पे अगर आओगे इस तरीके से, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, पूरा ब्लैंक है, या फिर आपको यहाँ पे नो लॉन्गर करके दिख रहा है, नो लॉन्गर अवेलेबल इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, चुपचाप से ऊपर में लिंक पे जाना है। यहाँ पे लिंक पे जाने के बाद d.facebook.com इस तरीके से आपको लिख के सर्च कर देना है, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे जब सर्च करोगे तो ये इंटरफेस पूरा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी अगर फेक गेस्ट आईडी आया, यहाँ पे देखो रियल गेस्ट आईडी आ रहा है हमारा, यहाँ पे गेस्ट आईडी का ऑप्शन आ रहा है, अगर यहाँ पे भी फेक गेस्ट आईडी आता है, तो आप सेम VPN वो यूज़ करके Mumbai 1 या फिर Kolhapur 2 का सिटी का प्रॉक्सी लगा करके आप इसको रिफ्रेश करोगे, एक बार में आ जाएगा। यहाँ पे गेस्ट आईडी पे क्लिक करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, आपको वही सेम चीज़ दिखेगा, नो लॉन्गर करके और ब्लैंक या फिर कुछ नहीं होगा, ऐसा सेम इंटरफेस। क्या करना है आपको, इसी को ऊपर के लिंक को कॉपी कर लेना है, यहाँ पे जो लिंक है ना इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है एक जगह पे नोट पैड पे, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको नोट पैड, जो फ़ोन में आपके कोई से भी नोट पैड हो ना, जो अभी आप रखे होगे, उस पे आ जाना है आपको सिंपल से, और अपने आईडी की इस लिंक को पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया पेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कि आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा,
ठीक है, उस लिंक को क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे नीचे ला के पेस्ट कर देना है। चलो मैं यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। मान लो कि ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा है, आपने इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, ये हमारा जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो ये आपके आईडी का यूआरएल। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे जो टोकन इज इक्वल टू था ना, यहाँ पे टोकन इज इक्वल टू से लेकर के मतलब https से लेकर के टोकन इज इक्वल टू तक इसको डिलीट कर देना है पूरा। और जो मैंने लिंक दिया था ना, इसको पूरे को कॉपी करना है आपको इस तरीके से। पूरे को कॉपी करना है इस तरीके से और यहाँ पे आपको सामने में पेस्ट कर देना है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कट भी कर सकते हो। तो मतलब कि मेरा जो दिया हुआ लिंक है ना टोकन इज इक्वल टू का, वो मैं इसके आपके आईडी के यूआरएल के जगह पे मेरे वाले को बस पेस्ट कर देना है। और नीचे में आना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे RDR करके लिखा हुआ, इसको हटा के आपको लिखना है प्रूफ ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ ऑप्शन इस तरीके से लिख देना है PROFOPTION, बस इस तरीके से लिखना है आपको। उसके बाद इसको पूरे को कॉपी करना है। ठीक है, वीडियो स्किप मत करना, देख लेना, क्योंकि मैं जो प्रूफ का तरीका बताऊंगा किस तरीके से प्रूफ एक्सेप्ट होगा, जो मैं पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या करना है, यहाँ पे इस टैब में आ जाना है आपको, वापस से अपने कीवी ब्राउज़र या फिर क्रोम, अब जो भी आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे ओपन किया था, अब यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है अपने वाले लिंक को जो हमने अभी क्रिएट किया है। यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करके और ऐसे सर्च करूँगा, सर्च करने के बाद इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप सोच रहे हो कि भाई इस पर प्रूफ अपलोड नहीं करता है, जो फिर से वही चीज़ बता रहा है या फिर कोई और लिंक है, तो भाई सुन लो वीडियो पूरा देखना, सब चीज़ होगा, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। और सबसे मेन चीज़ मैं बताऊंगा कि प्रूफ किस तरीके से अपलोड करना है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रूफ अपलोड करने का दो तरीका है। ठीक है, दो तरीका है, दोनों मैं आपको बताऊंगा, इसमें सबसे बेस्ट जो है वो लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहना। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ईमेल आईडी पुट करना है। कौन सी ईमेल आईडी, जो आपके पास न्यू बना के रखी हो। ठीक है, आपके जो आईडी में है वो मत डालना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये मैंने आईडी डाली है, इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो OTP आउट पे क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हो कितने प्रूफ आपके अपलोड है। यहाँ पे तो देख सकते हो 10 आईडी स्टोर है। यहाँ पे मैं ऑन ऑफ करके देख लेता हूँ, कोई हटता है या नहीं, नहीं हटा। ठीक है, चलो यहाँ पे बैक करते हैं, और बैक करने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी कार्ड, सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड भी डाल सकते हो, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ कि भाई आधार कार्ड डालो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको करना है आधार कार्ड अपलोड। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ जो बता रहा हूँ मैं, आधार कार्ड किस तरीके से अपलोड करना है आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। डे लाइट में, मतलब कि सुबह के टाइम पे हाथ में आधार कार्ड को लेकर के, और एकदम जूम, मतलब इतना जूम हो कि थोड़ा सा ऐसे हाथ दिखे जिसमें पकड़े हो आप आधार कार्ड को, और आपका आधार कार्ड का नाम, डेट ऑफ बर्थ एकदम क्लियर क्लियर दिखे। ठीक है, एकदम HD में फ़ोटो होना चाहिए, HD मतलब हाई क्वालिटी में होना चाहिए, कि कम से कम 2 या 3 MB से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पिक्सार्ट में आप एडिट कर दिया, कोई अदर ऐप से क्लिक कर लिया, एकदम रियल कैमरे से एकदम आपके 1-2 MB तो कम से कम होना चाहिए उसका, नहीं तो आप उसका साइज़ भी बढ़ा सकते हो। तो 2 MB कम से कम होना चाहिए, एकदम HD फोटो होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या करना है, यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करके अपलोड कर देना। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे अपलोड करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो, हमने अपलोड कर दिया है अपने फोटो को, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अभी देखना, बहुत लोग को सोच रहे होंगे भाई ये तो अपलोड नहीं होगा, एरर आ जाता था, लेकिन देख लो यहाँ पे हमारा जो है वो अपलोड हो गया है। टाइम देख लो, यहाँ पे मेल भी देख लो, देखो इस तरीके से हो गया। अब देखो, मैं इससे भी बेटर तरीका बता रहा हूँ कि आप प्रूफ किस तरीके से अपलोड करोगे और कैसे रिजेक्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, वो देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बैक आ जाना है इसमें। ठीक है, बैक आना है, बैक आने के बाद हाँ यहाँ तक ठीक है। आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस वही रखना है, यहाँ पे इस इंटरफेस पे आ जाना है आपको। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा ना, आई डोंट हैव एनी ऑफ दिस करके, इस पे आपको क्लिक कर देना है। एनी ऑफ दिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको क्या करना है ना, आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे आप दो चीज़ अपलोड कर सकते हो। अगर आपका आधार कार्ड वहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक बार आधार कार्ड ऊपर में डालो, नीचे में पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड डाल दो, या फिर आपका वहाँ पे पैन कार्ड रिजेक्ट कर रहा है तो आप पैन कार्ड यहाँ पे और वोटर आई कार्ड डाल सकते हो, मतलब कोई दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जिसके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड ही है, तो वो क्या करेगा, देखो उसको दोनों जगह आपको आधार कार्ड ही अपलोड कर देना है। ठीक है, समझ में आया मेरे बात, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लो। अगर आपका आधार कार्ड बार बार अपलोड कर रहे हो नॉर्मल तरीके से, अभी थोड़ी देर पहले बताया जैसे, अगर वैसे अपलोड कर रहे हो, अगर आपका रिजेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे प्रूफ डालो आधार कार्ड, यहाँ पे डालो पैन कार्ड, फिर भी रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे पैन डालो, वोटर आई कार्ड डालो, मतलब जो भी आपके पास स्कूल का आई कार्ड हो, कॉलेज का आई कार्ड हो, कुछ भी चल सकता है, बस नेम सेम होना चाहिए, नेम से मतलब है ज़्यादातर। ठीक है, इतना ध्यान रखना नेम से। अगर फिर भी आपके पास किसी, अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसके पास आधार कार्ड एक ही है, तो वो क्या करेगा, दोनों में आधार कार्ड पुट करेगा। ठीक है, चलो मैं तुम दोनों में आधार कार्ड पुट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोनों में सेम इमेज मैंने अपलोड किया, यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे, ऊपर देखो लोडिंग हो रही है, और ये भी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा एकदम 100%, देखो ये एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, तो यही दो तरीके हैं, और जैसे मैंने प्रूफ बताया है, प्रूफ अपलोड करो इस तरीके से,
अच्छा क्लिक होना चाहिए प्रूफ का। और जैसे अभी मैंने बताया ना ये वाला तरीका, इसको अपलोड करो और जो मैंने कोडिंग वगैरह बताई है न्यू वाली कोडिंग, उससे आप कोडिंग करके कोई भी ऑप्शन हो, वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा हो, नो लॉन्गर बता रहा हो, कोई भी ऑप्शन हो, डेट ऑफ बर्थ का हो या फिर आपके पास कोड का हो, ईमेल का हो, नंबर का हो, कोई भी हो, ठीक है, वहाँ पे मतलब नहीं है। आप सीधे ये कोडिंग से करोगे, प्रूफ का ऑप्शन आएगा, प्रूफ अपलोड करो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईडी का नेम से मतलब होता है। अगर किसी का आईडी का नेम स्टाइलिश नेम है या फिर ऐसा ऐसा नेम है जैसे गेमिंग जोन हो गया, गेमिंग वेम करके जो लीगल नहीं होता है नेम, जो वो अगर वैसा है तो आप सिंपल सा नेम चेंज कर लो, 24 घंटे में नेम चेंज हो जाएगा। नेम चेंज का भी लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अब सीधे हेल्प पे जाके यहाँ पे लॉग आउट करके आपको छोड़ देना है कम से कम 3 से 4 दिन, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था कि अभी फेसबुक आईडी जिनका भी प्रॉब्लम आ रहा था वैसा, वो आप मैंने उसका सोल्यूशन बता दिया। अगर आपका फेक गेस्ट आईडी है उसका भी सोल्यूशन बता दिया। मैंने आपको प्रूफ अपलोड कैसे करना है, कोडिंग ट्रिक, मैंने बहुत सारे 4-5 चीज़ें आपको मैंने इसमें बता दी है। इससे अच्छा वीडियो, इससे अच्छा ट्रिक, इससे अच्छा मेथड कहीं भी आपको यूट्यूब पर अभी तक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है, पूरा वीडियो देखोगे सबका आइडिया अनलॉक होगा। और इस वीडियो को हर जगह शेयर करो, बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है। अब धीरे धीरे अपडेट खत्म हो रहा है, जो अपडेट हो गया अच्छे तरीके से, तो अब वैसे ग्लिचेस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो बना दिया कि आप देख लो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो वीडियो, अगर वर्क करे तो प्लीज़ इसको शेयर करना, कमेंट करना मेरे को, कमेंट में ज़रूर बताना क्या हुआ क्या नहीं, और जिसको भी जितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को करो, जिसको जिसको जरूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।